Assalamualaikum viewers, welcome back to Anila Hira Vlog. जैसे बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है इसी वजह से भाई इतना नहाना पड़ रहा है ना, दिन में तीन तीन बार शावर लेना पड़ रहा है, कपड़े चेंज करने पड़ रहे, पसीने तो ऐसे हैं जैसे कि हमारी कोई दुश्मनी पल गई है इस पसीने के साथ, इस गर्मी के साथ। 43 डिग्री वेदर है और आगे से आगे चलता रहना है। आज हमें थोड़ा सा काम है, निमरा गए करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स को तस्दीक और आगे सबमिट करवाने हैं एडमिशन के लिए, उसको करवाना है कंप्यूटर ऑपरेटर का जो डिप्लोमा है ना उसके लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे इधर नियर है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है इधर की, जो है ना डिग्री वो बहुत मानी जाती है। डिप्लोमा जो होता है बाहर के मुल्क में इसकी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, जो कर ले उसकी जिंदगी बन जाती है, उसको जॉब भी अच्छी मिल जाती है, जॉब स्कोप भी अच्छी होती है। इसमें जो स्टडी की रिकमेंड है ना, आप मैट्रिक एफ ए होना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चा करना चाहता है वो जाके एडमिशन ले सकता है, 6 मंथ का ये कोर्स होता है। तो भाई इतना अच्छा सिखाते हैं ना कि इंसान का ना जो फ्यूचर बन जाता है, तो आप जरूर ये डिग्री ले, और ये गवर्नमेंट की डिग्री होती है और बहुत मानी तानी होती है। तो जी और इसके अलावा अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है, ये बेस्ट एंड बेस्ट है उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनमें कोई फीस चार्जेस वगैरह देने ही नहीं पड़ते। इसलिए नहीं देने पड़ते फीस चार्जेस किस लिए नहीं, क्योंकि ये फ्री अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है ना, तभी इनमें पैसे नहीं देना पड़ता। तो अब हम जा रहे हैं निमरा के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, उनको फोटो स्टेट करवाएंगे, उधर जाके जमा करवाएंगे। बस इधर नाम आने की बात है, थर्ड टाइम अटेंड कर रही है निमरा, ये तीसरी बार है। अगर नाम आ जाए तो मज़े ही मज़े, नहीं आए तो फिर बस आप अप्लाई ही करते रहो, लग कभी तो लग सकता है ना इंसान का। हमने भी इधर से काफ़ी डिप्लोमास किए हैं जिसकी बुनियाद पे हमारे पास काफ़ी डिग्री से वगैरह है, और गवर्नमेंट की डिग्री लेना बहुत ज़रूरी होता है पाकिस्तान में। सो जी आगे चलते मिलते हैं कि क्या हमारा आज का सिलसिलेकार होगा, आप आगे व्लॉग में देख लें। तो अब हम जा रहे हैं ज़रा निमरा का काम करवाने, उसको एडमिशन जी एडमिशन वोकेशनल में तो उसको हम बांधने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कड़कती धूप, बहुत कड़कती धूप है, अल्लाह ही हाफज हो आज। तो गाइज उन्होंने असि बन देना है आज, कब आया करेगी, 8 से 2 8 बजे जाना है उसने, 3 बजे आया करना है उधर, अब तस्दीक करवा के, हाँ तस्दीक करवा के फिर आगे जाएंगे जमा करवाने फॉर्म। हमारे ये हमारे कॉलेज का रूट होता था, इस रूट से हम आते थे, हमारी पुरानी यादें हो चुकी है ताज़ी। इतनी ही सख्त धूप में चल के आना बहुत डिफिकल्ट होता था, बट मैं आने से पहले अपना दुपट्टा गीला करके लेके आते थे और घर जाते तक मेरा सूख जाता था, इतनी तेज धूप होती थी। खैर साढ़े दौड़ गए होने ना दे शुरू। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी उसकी, तो उसको करवाने आए थे फोटो स्टेट, वो करवाने के बाद हम चले गए थे जी गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ 18वें ग्रेड के प्रिंसिपल या सर के लगने से सिग्नेचर वो करवाने आए। तो कंप्यूटर क्लास में हमें बिठा दिया, बहुत अच्छा एटमोसफियर था। तो अपने हम लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, थक टूट के आके किता नीला कर नाश्ता जी परांठों का, फिर चले गए थे सैलून करनी थी क्लीनिंग। साढ़े गर्मी ने हालात है, ये कर छे पार्लर नहीं ये चिड़ियाघर बन गया है, अभी इसको करेंगे मेंटेन, थोड़ा सा सेटल वेटल करना है, फिर शूट करनी है नीला की वीडियो शीडियो। तो ये चेहरे तो हमने इधर लगा दिए हैं कि क्योंकि गर्मियों में काम नहीं होता पार्लर का, जिस वजह से हमने ये यहाँ लगा दिए, फिर जब काम होगा फिर इसको वहाँ सेटल कर देंगे जहाँ ऑलरेडी था। अभी हमारा जोड़ी बिस्तरा इधर आ चुका है, और पंखे में इतना स्लो पंखा है और इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है ना यार, बेसमेंट में बड़ा ही मज़ा है। तो अब इसको सारा वाइंड अप करके मिलते हैं यार, तल जा तल पुछ पकड़िया वाला चीज नहीं ले जाओ बेच पुराना बेच, इसको खड़ा करना इधर लगा दे इसको। क्लीनिंग करने लगे थे तो नीला कहते वाइप्स ले आओ, उसे ज्यादा बेहतर मेकओवर क्लीन हो जाएगा। तो मैं वाइप्स लेने जा रही हूँ मेडिकल स्टोर से, फिर उधर से वाइप्स लेके सैलून जाएंगे, तो क्लीनिंग फिर स्टार्ट करते। दो तरह के वाइप्स थे, ये 150 के थे और 250 वाले थे, मैंने 150 वाले ले लिए थे, क्लीनिंग ही तो करनी थी। और तो जी वेदर अच्छा था, हवा कभी चलती है कभी नहीं, टेम्परेचर 43 डिग्री चल रहा है। और ली थी इधर से मैंने जलेबियाँ, क्योंकि खानी थी, नीला का बड़ा दिल कर रहा था जलेबियाँ खाने का, तो तैयार करवा के मैं घर जा रही हूँ। तो आमदे का हो चुकी है, बकराई खाने वाली है, मैंने ले लिया है वाइप्स वगैरह, अब नीला की दादो बैठी हैं उनसे लेते हैं प्यार, फिर जाते हैं सैलून प्यार लेने के बाद। दादू जलेबियाँ जलेबियाँ एक डेढ़
पेपर कुड़ी है ला लो तुसे भी ला लो हेलो मैं दे देनी है मैं दे देनी है खाओ खाओ लोन में आ चुकी हूँ अम्मी को ओरएस दे दिए है बाप फैली हुई है जैसे कि मोशन वोमेंट वगैरह की तो मेरी अम्मा के मोशन भी हट रहे तो वो कसूरवार दे रही है कसूर दे रही हैं मेरी अम्मा वो जो बोतल लगवाई थी उसको बट उस चीज़ का कसूर नहीं है ये वबा ही ऐसी है तो नीला नीचे पता नहीं क्या देख रही है तो ये नीला डाल रही थी इंस्टाग्राम पे रील्स तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा अब जी हम करने लगे हैं काम शाम अपना तो नीला से लगवाऊंगी कलर सफ़ेदी आ चुकी है बालों में तो कलर भी आज कर लेना है डन तो नीला ने करनी है कुछ चीज़ें कुछ वीडियोस आज क्रिएट करनी है यूट्यूब पे वो भी मैनेज करेंगे और काफ़ी ज़्यादा काम है नीला का मुंह देख के आपको हंसी आ जा रही थी जैसे मुझे यही है ये बांधी मौसम की तब्दीली का इसको भी अटैक हो गया था इसको भी मोशन काफ़ी लग गए थे तो इसको मेडिसिन वगैरह दी है नाया भी रिकवर हो गई है शुक्र अल्लाह का तो ये फवारा ही ऐसा चला है यार एकदम फवारा चलाओ शावर अम्मा को ओरएस दिया इसको भी ओरएस पिलाया था तो मिलते हैं काम के बाद जी माइंड बढ़ गया हमारा जी पार्क में जाने के लिए आप ही निम्रा और नीला को लिया और पार्क चले गए साथ हमारे अनाया भी थी बहुत इन्जॉय किया और ये अनाया ने जाके अपने मम्मा के लिए फ्लावर तोड़ के दिए भी कितनी क्यूट बेबी है ये पुरसकून माहौल था इधर का दस्तरखान लग गया और दुआ कर रही है अल्लाह से बहुत ही मजे का निम्रा ने बनाया था चिकन पुलाव तो भाई आज तो हमारा बन गया था दिन और ये मिलके हमने खाया बहुत ही मजा आया माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था और उसके बाद प्लान बन गया आइसक्रीम खाने जाने के लिए फिर हमने अपना उठाया पन पोसरा मीन्स के मामा को हम सब लोग निकल पड़े अपने इंजॉय करने के लिए तो भी बड़ा मजा आया आइसक्रीम खा के भी के साथ दे इजाजत अल्लाह हाफिज़।